गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरम दानिश व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई, तो मैं आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं आगे। गाइस ये चिकन वॉश कर लिया है हमने, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अब ऐड करूंगी इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। बहुत से लोग स्पाइसी खाते हैं, बहुत से कम स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पीली मिर्चें। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रूट चाट मसाला, मैं एकदम स्पाइसी बना रही हूँ ये। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खटाई आमचूर पाउडर, बहुत से लोग नींबू भी डालते हैं बट मैं खटाई डालती हूँ। मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ बेसन, और इधर मैंने अपना घी भी रख दिया है। बहुत से लोग दो दो तीन तीन घंटे इसे मैरिनेट करके रखते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाथ के हाथ ही इसे फ्राई करती हूँ। तो ये मिक्सअप कर लेते हैं, इतने में हमारा ये घी भी हो गया है गरम। फिर इसे फ्राई करूँगी एक बार, और एक बार जब खाएंगे जब करूँगी तो क्रिस्पी बनता है एकदम से। तो मिक्स करके अभी मिलती हूँ। देख सकते हैं मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है, और अब मेरा घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए हाई फ्लेम पर रखा हुआ है मैंने। जब भी आप चिकन को फ्राई करें तो हाई फ्लेम पर ही करें, वरना ये घी या तेल ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, तो इसलिए हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें डाल देती हूँ ये। और रेमू के मुंह में अभी से आ रहा है पानी। तो देख सकते हैं आप, अगर हम थोड़ा ठंडे ऑयल में डालेंगे ना इसे, तो इस पर बेसन मतलब इस पर से हट जाएगा चिकन के ऊपर से, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर ही तेल को करके और फिर इसमें फ्राई करना चाहिए। तो बस अभी मैं एक बार करके इसे निकाल लेती हूँ, और फिर जब हमें खाना होगा ना तब मैं दूसरी बार इसे कट करके पीस को और फिर फ्राई करूँगी, तो ये एकदम से अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है। अब मैं दूसरी बार का डाल देती हूँ, और फ्राई के लिए जितना छोटा चिकन होगा ना तो उतना ही अच्छा बनेगा, मतलब कि वो मसाला अच्छे से अंदर तक चले जाएगा उसके। छोटे साइज का ही चिकन लें और उसमें कट लगवा लें। और ये मैंने करके निकाल लिया है, आप इसकी एक बार देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल भी मैरिनेट करके नहीं रखा है, हाथों हाथ ही मसाला लगा के एक बार फ्राई कर लिया है इसे। तो मैं ये फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं चटनी की रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी। तो गाइस ये एक बार सारा फ्राई हो चुका है, और ये मैं चूरा फ्राई कर रही हूँ। जब मैं बना रही हूँ चटनी, तो ये मैं लूँगी पीली मिर्चें, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रूट चाट मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। मैं इसमें दो नींबू का रस डाल रही हूँ। खटाई ऐड करूंगी, ले देना। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी पतली होती है, गाढ़ी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई करना। अभी बहुत गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दूं, है ना? तो इसमें मैं हाफ जो नींबू मैंने बचाया था ना, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी खट्टी होती है चटनी, तो इसलिए।
सकते हैं आप, हमारी चटनी हो चुकी है रेडी, बिल्कुल मोहम्मद हुसैन जैसी चटनी बनी है। हाँ। आप लोग जरूर ट्राई करना इसे। जो ऑल दिल्ली के लोग हैं वो तो मोहम्मद हुसैन को जानते ही हैं। हाँ। बहुत ही फेमस चिकन फ्राई वाले हैं। हाँ। तो देख सकते हैं आप। तो गाइस अब मैं प्याज कट कर लेती हूँ। तो गाइस अब मैं प्याज कट कर रही हूँ और ये मेरी वीडियो जो है अहमद बना रहे हैं। इसे ऐसे गोल गोल प्याज कट करके मैं इसे धो लूंगी। तो गाइस आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो गाइस अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ प्याज को। तो पानी निचोड़ जाएगा ना, फिर प्लेट में निकालेंगे। ओके पर तो रोको। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा हो गया है काम डन और यहाँ की हो गई है सफाई भी। तो अब चलते हैं ऊपर। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मा और ना मेरी मम्मा ना तृप्ति ना चिकन फ्राई बना रही है और ना मोमोज चैन की तरह बना रही है और ना मोमोज चैन वाली। और आपको कैसा लगता है ये बताओ? तो गाइस अब मैं दूसरी बार फ्राई कर रही हूँ। तो डाल के ना बार बार चम्मच से नहीं चलाना चाहिए। मेरी हेल्प करा रही है। गाइस यह इसका फाइनल लुक काफी क्रिस्पी बनता है। आप लोग जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।